खिलाड़ी अक्षय कुमार की सास और ट्विंकल खन्ना की मॉम यानी डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही डिंपल आज 63 साल की हो चुकी हैं। ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी से अपना करियर शुरू करने वाली डिंपल ने पहले ही फिल्म में ऐसा शानदार काम किया कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि डिंपल ने उम्र में अपने से बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी की। इतना ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए डिंपल ने अपना करियर तक कुर्बान कर दिया और एक्टिंग करियर छोड़ दिया। लेकिन दुख की बात ये रही कि दोनों की शादी ज्यादा देर नहीं टिकी, इसी वजह से दोनों अलग भी हो गए। अपनी जिंदगी में इतना कुछ होने के बाद डिंपल ने फिल्मों में धमाकेदार कमबैक किया और वापस आते ही एक बार फिर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि फिल्मों में इतने समय बाद एक्टिंग करने की वजह से वे बहुत नर्वस थी और तो और एक्टिंग करते हुए उनके हाथ तक कांपते थे। अब बात अगर डिंपल और सनी देओल की करें तो उस समय दोनों को लेकर ये खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जैसा कि अक्सर फिल्म स्टार्स अगर साथ नजर आने लगे तो उनके अफेयर की अफवाहें उठने लगती हैं। ऐसा ही डिंपल और सनी के साथ भी हुआ। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट साबित हुई, लेकिन असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। सनी जब डिंपल के साथ रिलेशन में थे तब वो शादीशुदा थे। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी उठी थी कि दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली है। अब भाई जब डिंपल और सनी एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो डिंपल की बेटियां ट्विंकल और रिंकी सनी को छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी। फैंस के सामने सनी और डिंपल की ऐसी बहुत सी फोटोज आई जिसने ये सबूत दिया कि दोनों में दोस्ती से बढ़कर और भी कुछ है। लेकिन सनी की अफेयर की खबरों पर उनकी पत्नी पूजा ने उन्हें रिश्ता खत्म करने के लिए कह दिया था, जिसके बाद सनी अपनी फैमिली की सपोर्ट में खड़े हुए। वहीं पति से अलग होने पर डिंपल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बेटी ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता था कि हमें फिर से पापा के साथ जाकर ना रहना पड़े, इसलिए वो चाहती थी कि मुझे बहुत सी फिल्में मिल जाएं। डिंपल के अनुसार काका यानी राजेश खन्ना के साथ एक ही आदमी रह सकता था और वो है वे खुद। डिंपल ने आगे कहा था कि वे अपने और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहती हैं, जहां सब अपनी आवाज उठा सकें और खुलकर जी सकें। वहीं आपको ये भी बता दें कि डिंपल और राजेश खन्ना सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी तलाक नहीं दिया। डिंपल ने अपनी फिल्मी सफर में हिंदी सिनेमा को बहुत सी फिल्में दी और वे आज भी एक्टिंग लाइन में एक्टिव हैं। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।